हरिद्वार क्षेत्र के गाड़ीघाट इलाके में भारत विकास परिषद ने सामूहिक सरल कन्या विवाह समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में चार जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अग्नि के साथ फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया। सामूहिक विवाह समारोह में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हमारी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो वह साथ साथ दो परिवारों को भी शिक्षित करेंगी। उन्होंने कहा कि बेटियां हमारी ताकत और गुरूर दोनों हैं और आज देश की बेटियों के पास सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का स्वर्णिम अवसर है। परिषद कोटद्वार द्वारा ये चार बेटियों का आज यहाँ पर सामूहिक विवाह हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम कोटद्वार में हो रहा है। मैं धन्यवाद परिषद को करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ यहाँ पर ये कार्य किया है। पूरी कोटद्वार की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वो इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े और सभी लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने वरवधु को आए हैं। मैं भी इसीलिए यहाँ पर वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छे सोच और बहुत अच्छी परंपरा एक है और इसको हमें आगे भी करते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बेटियों को हम तक उन तक हम पहुँच पाएँ और जहाँ उनको हमारी ज़रूरत हो वह हम